रहती है उमरा के लिए। हाय फ्रेंड्स, सिद्धार्थ बैक एस एम सिक्योरिटी। तो अभी आ चुका हूँ बत्था मार्केट, जहाँ पर आदमी उमर उमर करने के लिए जाता है, यहीं से जाते हैं। और ऑफिस यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप दमाम, मक्का, मदीना कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ से आके आप ले सकते हैं बस। तो चलो आपको दिखलाता हूँ किस तरह रहता है एरिया। देखो भाई, ये जो है ना बत्था मार्केट है, ये मदीना मार्केट के पीछे में आपको यह मस्जिद मिलेगी। यहाँ पर एजेंसी उमरा जारा, ठीक है, इधर उमरा जारा के लिए इधर बस आपको यहीं से मिलेगी। मदीना जाइए, मक्का जाइए, दमाम जाइए, यहाँ पर सारा बस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर खड़ी रहती है। यहाँ बहुत काफ़ी ऑफिस है, हर ऑफिस का चार्ज अलग अलग है, आपको मैं दिखलाता हूँ। और ये एरिया है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का इधर है उमरा करने के लिए। और बहुत बड़ी एरिया है यहाँ पर, खाली यहाँ उमरा उमर करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इधर ऑफिस बहुत सारी है। और ये रोड है, ये मदीना मार्केट का पीछे में आपको ये रोड मिलेगी, ठीक है, ये देख सकते हैं। और जो बिल्डिंग फिल्पनी मार्केट है, बिल्डिंग 1, 2, 3, 4, 5 के सामने ये रोड है, आपको आएगी, अब यहीं से आपको मिलेगी, देख सकते हैं। ये इस तरह के आपको एरिया यहाँ पर मिलेगी, बहुत सारा यहाँ बस खड़ा रहेगा। और छोटे छोटे ऑफिस है, यहाँ आपको ऑफिस भी दिखलाता हूँ किस तरह का ऑफिस रहता है। तो चलो आपको दिखलाता हूँ इस तरह का ऑफिस है, और अभी उमरा का क्या प्राइस चल रहा तो आपको बता रहा हूँ, चलो देखता हूँ क्या। देखो भाई, यहाँ पर जो है ना, हाँ, जो उमरा के लिए ऑफिस है, यहाँ कॉल कर सकते हैं। इस तरह का बस आपको यहाँ पर उमरा उमरा के लिए है, यहाँ भी ऑफिस है, देख सकते हैं, ये भी ऑफिस है उमर उमर करने के लिए, देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर है, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ऑफिस है खाली यहाँ पर जो है ना, बहुत सारा ऑफिस है। और दिखलाता हूँ, यहाँ मस्जिद के पास ही में है, और यहाँ देख सकते, सिर्फ यहाँ ऑफिस है हज उमरा के लिए। यहाँ पारा सारा बहुत सारा बस उसे तो देख सकते हैं, यहाँ पे बस है ये इधर। और अभी जाएंगे ऑफिस के अंदर, देखते कौन सा ऑफिस अच्छा है, और वहाँ पर पता कर उमरा के लिए कितना पैसा लग रहा। तो चलो अभी पता करते हैं, आपको प्राइस बतलाता हूँ उमरा के लिए, आप अगर जाना चाहते कितना प्राइस है, तो चलो पता करते हैं अभी। के लिए आपको बस इस तरह का आपको मिलेगी, ठीक है, इस तरह का बस रहती है उमरा के लिए, आप देख सकते हैं। अगर उमरा जाएंगे तो इस तरह का बस मिलेगी, इस तरह का बस यहाँ पर है। और इधर देख सकते हो ऑफिस है, ये सारा अल फारूक अल अव्वल ऑफिस है। देखो ये अपो अल जल हराम, तो ये बस है, इस तरह का बस मिलेगी, क्वालिटी का अच्छा है। और वो जो ऑफिस है ना, ये ऑफिस, ये ऑफिस है आपको बस का, ठीक है, आप लोग आइए बत्ता, तो यहीं पर आइएगा ऑफिस में, आपको व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप फोन कर सकते हैं भाई को। तो भाई ये ऑफिस है, ठीक है, ये ऑफिस अफजल का है, यहाँ पर ऑफिस है, और यहाँ पर बस लगी, ये बहुत बेस्ट है, 3 दिन का है, 120 रियाल लगेगा, ठीक है। ये नंबर भी है, फ़ोन कर सकते हैं, ये नंबर है आपका ऑफिस का, और ये ऑफिस है। तो भाई से मैंने बात किया, तो इस तरह का आपको ऑफिस मिलेगी, ठीक है, ये ऑफिस है, ये ऑफिस है, ठीक है। तो भाई हमको कार्ड भी मिल गया, ऑफिस को पता में कर लिया, और बस देख सकते हैं, ऐसा आपको बस मिलेगी, ठीक है, ये सब बस आपको उमरा के लिए। और भाई ने बोला 120 रियाल आपको 3 दिन के लिए ज़्यादा करेगा। और पर कार्ड यहाँ पर हमको मिला है, देख सकते हैं, भाई ने हमको कार्ड दिया, ये भाई है हमारे, पाकिस्तान के हैं, है ना भाई। और एक, हाँ, और 120 रियाल 3 दिन साथ आना जाना मक्का मदीना, हाँ, बस आपको मैं दिखला दी ऑलरेडी, ये बस आपको इस तरह मिलेगी। और भाई का ये कार्ड है, आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे, आप लोग इस नंबर पे आके देख ले सकते हैं, क्या भाई, सब कुछ अच्छा है, ओके।
तो भाई यही ऑफिस है। अब्बास भी आपको मैं दिखलाया किस तरह का है, और ये हमको ऑफिस में कार्ड मिला, ठीक है। अब इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप। तो चलो जहाँ तक तो हुआ मैंने बोर्ड बनाया, तो भाई जहाँ तक तो हुआ मैंने बोर्ड बनाया किस तरह का बस है, ड्राइवर है, और प्राइस क्या है। 120 रुपये पड़ रहा है, 3 दिन का होटल वोटल सब आपको मिलेगी। अब बिना होटल का जाइएगा तो 100 रियाल आपको पड़ेगी बिना होटल का, सिर्फ ऐसे मक्का जाइएगा तो मक्का मदीना जाएंगे तो 100 रियाल, होटल लीजिएगा 20 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आपको बस भी दिखलाया और ऑफिस भी दिखलाया, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं भी वहीं से गया था उमरा में, तो मैं भी यही ऑफिस से गया था उमरा के लिए, तो मैं सोचा चलो वो लोग भी बना लिया। तो बाय।